हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट PMYP। आप लोग को पता है कि एक सीरीज चल रही है फॉर यूपीएससी ईपीएफओ, जिसमें मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के सारे लेक्चर्स कवर कर रही हूँ वन बाय वन। अभी फैक्ट्री एट कंप्लीट हुआ है। मीन वाइल मैंने सोचा कि सोशल सिक्योरिटी की भी क्लासेस शुरू की जाए, बिकॉज एग्जाम यू नो 2 जुलाई को है। ठीक है, तो लेट अस बिगिन सोशल सिक्योरिटी फॉर यूपीएससी ईपीएफओ। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम पढ़ेंगे जो कि सोशल सिक्योरिटी के लिए चलाई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इंडिया सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कवर द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोशल इंश्योरेंस: पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड ग्रेच्युटी। जो इंडिया में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बनाई जाती हैं, वो इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए बनाई जाती हैं कि वो पेंशन से रिलेटेड हो, जैसे अटल पेंशन योजना, हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल बेनिफिट्स से हो, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स से हो, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराए और ग्रेचुटी। वाइल ए ग्रेट डील ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड मे नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन ईच वन ऑफ दीज स्कीम्स, इंडियन सिटीजन इज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड देयर एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू कवरेज अंडर अबव स्कीम। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स होते हैं, उनको मे बी सारी स्कीम्स फायदे ना मिले, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले वर्कर्स को इन सारी स्कीम्स के फायदे मिलते हैं। दैट टू मेजर सोशल सिक्योरिटी प्लान इन इंडिया, पहला ईपीएफओ और दूसरा है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। पहला क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एग्जामिनेशन। ईपीएफओ रन्स ए पेंशन स्कीम एंड इंश्योरेंस स्कीम। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन की, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इट रन्स पेंशन स्कीम एंड इंश्योरेंस स्कीम। All these are supposed to grant EPFO members and their family benefits for old age, disability, support in case the primary breadwinner dies. ठीक है, support किस केस में? जब जो job कर रहा है, जो breadwinner है, वो उसका demise हो जाता है। And employees state insurance corporation covers low earning employees, providing them with basic health care, social security scheme. Originally aimed at factory workers, coverage was extended to include greater parts of population, example employees in hospitals, educational institutions. The ESI, employees state insurance scheme, has been implemented in all states excluding Manipur and Arunachal Pradesh. So ye aapke liye important hai, kaun se do state mein implemented nahi hai? Manipur aur Arunachal Pradesh. Kis liye banaya gaya tha? Pehle banaya gaya tha ye factory workers ko aim karke, baad mein iska umbrella stretch kar diya gaya kahan tak? आपके हॉस्पिटल एम्प्लॉयज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गवर्नमेंट हैज एनएक्टेड अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। कौन सा एक्ट है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2008। इसके अंदर क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं? नंबर वन, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च इन 1995, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एल्डरली विडोज एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ सोशल पेंशन। ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में सोशल पेंशन के रूप में एल्डरली विडोज और पर्सन विद डिसेबिलिटी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। कब ये लॉन्च हुआ था? इट वॉज लॉन्च इन 1995। अगला है जनानी सुरक्षा योजना। जनानी सुरक्षा योजना, ये कब लॉन्च हुआ? 2005 में। सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM बीइंग इंप्लीमेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज मतलब कि हॉस्पिटल में या PHC वगैरह में डिलीवरी कराना नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का ऑब्जेक्टिव है। और क्या? मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को कम करना। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना, शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना एम्स एट फाइनेंशियली एनेबलिंग द आर्टिशियन, देखो शिल्प कला, शिल्पी आर्टिशियन कम्युनिटी के लिए है ये। ठीक है, दिस स्कीम कवर नॉट ओनली आर्टिशियंस बट ऑल्सो हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रेन ऑल्सो। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि शिल्पी जो है वो केवल आर्टिशियंस के लिए नहीं है, उनके वाइफ के लिए भी है और उनके दो बच्चों के लिए भी है। ठीक है, नेशनल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फिशरमैन, फिशरमैन एम्स एट प्रोवाइडिंग बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर फिशरमैन एंड देयर फैमिली एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर एक्टिव फिशर्स एंड देयर
डिपेंडेंट, जो एक्टिव फिशर है और उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनके लिए ये बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए कौन सी स्कीम है, नेशनल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फिशरमैन। नेक्स्ट इज आम आदमी बीमा योजना, ये कब लॉन्च हुई, इट वॉज लॉन्च इन 2013 एज सोशल सिक्योरिटी स्कीम एम्ड एट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स एज बिटवीन 18 to 59। ठीक है, 18 to 59 का भी कोई 60 लिख देता है, इट इज 18 to 59, विच कवर्स ए कवर ऑफ ₹30,000। आम आदमी बीमा योजना कब लॉन्च हुई, 2013। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर वर्कर्स बिलोंगिंग टू बीपीएल कैटेगरी एंड देयर फैमिली मेंबर्स। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर के लिए जो कि बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। इट प्रोवाइड इन पेशेंट मेडिकल केयर अप टू 2,30,000 पर फैमिली पर ईयर इन पब्लिक एज वेल एज एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल। पब्लिक और एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल में 2,30,000 तक की मेडिकल केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। ठीक है, ये पर फैमिली पर ईयर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर वर्कर्स अंडर पीपल कैटेगरी 2008। रिसेंटली लॉन्च अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, अंडर अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर्स रिसीव ए फिक्स्ड मिनिमम पेंशन एट एज ऑफ 60 इयर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन विच इटसेल्फ वुड वैरी ऑन द एज ऑफ ज्वाइनिंग एपीवाई। जितना आप कॉन्ट्रीब्यूट करोगे उस हिसाब से आपको फिक्स्ड मिनिमम पेंशन मिलेगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट 50% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और ₹1,000 पर एनम विच एवर इज लोअर। या तो आप जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसका 50% या तो ₹1,000, दोनों में से जो कम होगा। फॉर पीरियड ऑफ 5 years हु आर नॉट मेंबर ऑफ एनी स्टैचुटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड हु आर नॉट इनकम टैक्स पेयर। किसके लिए है ये? कोई भी ऐसा इंसान जो इनकम टैक्स नहीं पे करता है, इसलिए नहीं कि फ्रॉड करके बचा ले रहे, नहीं, वो टैक्स लैब में अभी आता नहीं है। ठीक है, और स्टैचुटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर नहीं है, उनके लिए 5 साल तक की ₹1,000 या फिर 50% जो भी कम है उसमें से गवर्नमेंट पे करेगी। द पेंशन वुड ऑल्सो बी अवेलेबल टू स्पाउस ऑन द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर एंड देयर आफ्टर पेंशन कॉर्पस वुड बी रिटर्न टू द नॉमिनी। ठीक है, सपोज ए पैसा जमा कर रहा था इस स्कीम में एंड उसका डिमाइस हो गया, तो इसका जो स्पाउस है बी, वेदर वाइफ और हस्बैंड जो भी है, उसको इस स्कीम का फायदा मिलेगा। मिनिमम एज क्या है, 18, और मैक्सिमम एज क्या है, 40। मतलब 40 के बाद इस स्कीम के सब्सक्राइबर नहीं बन सकते हो और 18 से पहले नहीं बन सकते हो। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस ऑफ 2 lakhs वुड बी अवेलेबल ऑन द पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ ₹330 पर एनम बाय द सब्सक्राइबर। लाइफ इंश्योरेंस 2 lakh का मिल रहा है, पैसे कितने देने हैं, ओनली ₹330 पर एनम। ठीक है, दिस विल बी मेड अवेलेबल टू द पीपल, एज ग्रुप क्या है, 18 to 50, having bank account from where the premium would be connected to the facility of auto debit. 18 से 50 साल, ये आपको देखना पड़ेगा कि हर एक में एज गैप अलग अलग है, जो बैरियर है वो अलग अलग है। देखो यहाँ 18 है मैक्सिमम एज, इसके सब्सक्राइबर बनने की क्या है, 40 है। ठीक है, ऐसे हमने पहले भी देखा था कई सारी स्कीम 59 थी। ठीक है, यहाँ पे कितनी है, 50 है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, under this risk coverage will be 2 lakhs for accidental death for disability, 8 lakh partial disability ke liye on the payment of premium of ₹12 per annum। kya hai pradhanmantri suraksha bima yojana, yahan tha pradhanmantri jeevan jyoti bima, jeevan jyoti mein kitna hai, 330 life insurance, aur suraksha bima mein kitna hai, ₹12 theek hai, jeevan jyoti mein 330, suraksha mein 12। स्कीम विल बी अवेलेबल टू द पीपल ऑफ द एज ग्रुप 18 to 70, ये किसके लिए है, सुरक्षा के लिए, और जीवन ज्योति के लिए जेजे के लिए क्या था, 18 to 50। ठीक है, यहाँ पे कितना था आपका, ₹330 एनुअल पेमेंट, यहाँ पे ₹12 एनुअल पेमेंट। ठीक है, बस यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2 lakh मिल रहा है लाइफ इंश्योरेंस, और यहाँ पे 2 lakh एक्सीडेंटल डेथ या फुल डिसेबिलिटी के, 1 lakh पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए। द स्कीम विल बी अवेलेबल 18 to 70 years। ठीक है, बैंक अकाउंट यहाँ पे भी ऑटो डेबिट हो जाएगा आपका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि अभी बहुत न्यूज में थी, अंडर द स्कीम गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड डायरेक्ट पेमेंट ऑफ
रुपीज 6,000, 6,000 दिया जाएगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, दैट मीन्स 2,000, 2,000, 2,000 इन ईच इंस्टॉलमेंट आफ्टर 4 मंथ्स ईच इनटू आधार बैंक अकाउंट्स ऑफ एलिजिबल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान मानधन योजना। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लॉन्च दिस पेंशन स्कीम फ्रॉम, कहाँ से लॉन्च किया, रांची झारखंड से। अंडर दिस स्कीम फार्मर्स बिटवीन 18 to 40 ईयर्स ऑफ एज विल गेट रुपीज 3,000 मंथली पेंशन आफ्टर रीचिंग एज ऑफ 60। 60 साल के बाद 3,000 रुपये हर महीने मिलेगा किसको, किसानों को, ठीक है। द स्कीम हैज एन आउटले ऑफ रुपीज 10,774 करोड़ फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, देखो स्मॉल एंड मार्जिनल मतलब 2 हेक्टेयर से कम जिसके पास लैंड हो, ये भी एक क्वेश्चन है खुद में, हु आर करेंटली बिटवीन 18 to 40 कैन अप्लाई फॉर दिस स्कीम। जो भी 18 से 40 साल के बीच के हैं वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो 60 साल क्रॉस कर लेंगे तो इनको 3,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। कहाँ से लॉन्च हुई, रांची झारखंड से। क्या नाम है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर पेंशन स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन अगस्त 2019। अगला है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, LIC। इसने क्या किया, अपॉइंटेड इंश्योरर फॉर दिस स्कीम। इंश्योरर कौन है, LIC है आपका। फार्मर्स विल हैव टू मेक मंथली कंट्रीब्यूशन, कितना है, 55 रुपए से 200 रुपए तक कंट्रीब्यूट कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ एंट्री। सपोज बहुत पहले एंट्री हो रही तो हो सकता है 55 रुपए देने पड़े, और अब बहुत लेट में एंट्री ले रहे हो तो 200 रुपए देने पड़ेंगे, बिकॉज आपको 60 तक उतने पैसे गवर्नमेंट को सब तो नहीं ना सब्सिडाइज कर सकती है, कुछ तो कलेक्ट करेगी आपसे। दिस इज एन ऑप्शनल स्कीम, द गवर्नमेंट स्टार्टेड रजिस्ट्रेशन फॉर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ऑन अगस्त 9, 2019। एनरोलमेंट फॉर वॉलंटरी स्कीम इज बीइंग डन थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर्स लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री। नो फी इज चार्ज फॉर द रजिस्ट्रेशन इन दिस स्कीम। कितने रुपए देने हैं, 55 से 200। इसके पहले हमने देखा था सुरक्षा बीमा कितने देने थे, 12। जीवन ज्योति में कितने देने थे, 330, राइट। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, लघु व्यापारी मानधन योजना। दिस न्यू स्कीम दैट ऑफर्स पेंशन कवरेज टू ट्रेडिंग कम्युनिटी वाज लॉन्च्ड फ्रॉम झारखंड। ये भी झारखंड से लॉन्च हुई आपकी। अंडर दिस स्कीम ऑल शॉपकीपर्स, रिटेल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस आर अश्योर्ड मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ रुपीज 3,000 ए मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। ये भी वही है सेम, 3,000 रुपये मिलेंगे 60 साल के बाद, ठीक है, लेकिन ये ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए, फार्मर्स के लिए नहीं है। ऑल स्मॉल शॉपकीपर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एज वेल एज रिटेल ट्रेडर्स विद GST टर्नओवर बिटवीन बिलो 1.5 करोड़ एंड एज बिटवीन 18 टू 40 कैन एनरोल। भाई 1.5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर होना चाहिए तो बहुत सारे ट्रेडर्स आ जाएंगे, राइट। एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 40 साल के बीच में, 1.5 CR लिखते हैं आप। स्कीम वुड बेनिफिट मोर देन 3 करोड़ स्मॉल शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स। द स्कीम इज बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन एंड एज नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट आधार एंड बैंक अकाउंट। इंटरेस्टेड पर्सन कैन एनरोल थ्रू CSE द क्रॉस द कंट्री। टू बी एलिजिबल एप्लीकेंट शुड नॉट बी कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम और बी ए इनकम टैक्स SSC। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन That is equal amount as subsidy into subscriber pension every month. ठीक है, जितना सब्सक्राइबर देगा उतना ही गवर्नमेंट देगी। 5 करोड़ ट्रेडर्स आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द स्कीम इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। वाई आर दे नीडेड, विथ अबाउट 22% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर दैट इज एंटरप्राइजेस मेनली इन एग्रीकल्चर विच आर नॉट लीगली कवर्ड बाई एनी फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज। ये बात कर रहा है कि इस तरह की स्कीम्स की क्यों जरूरत है, इस तरह की स्कीम्स की इसलिए जरूरत है क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, स्पेशली जो फार्मर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, वो किसी भी तरह से फायदा नहीं उठा पाते हैं सोशल सिक्योरिटी का, लीगली कवर्ड नहीं होते हैं, इसलिए इन सब स्कीम्स के थ्रू उनको लीगली सोशल सिक्योरिटी का पार्ट बनाने के लिए, उनको सोशली सिक्योर करने के लिए इन सब स्कीम की जरूरत है। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं आपका। हमने शुरू किया था वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में आया था, ठीक है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995 में आया था। जनानी सुरक्षा योजना 2005 में आई थी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए और मैटरनिटी मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए। शिल्पी किसके लिए था, आपका आर्टिशियंस के लिए था, उनकी वाइफ और दो बच्चों को भी कवर करेगा।
नेशनल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फिशरमैन, ठीक है, आम आदमी बीमा योजना 2013 में आया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में बीपीएल के लिए, ठीक है, 2,30,000 तक का मेडिकल कवर है उसमें, अटल पेंशन बीमा योजना 60 साल की एज के बाद आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है, नॉन टैक्स पेयर्स होने चाहिए, 50% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी या फिर 1,000 रुपीज जो भी दोनों में से कम होगा, पेंशन वुड ऑल्सो बी अवेलेबल टू स्पाउस ऑफ द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, 18 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज 40 है स्कीम में एनरोल करने के लिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति 330 आपका जो है पर एनम पेमेंट है प्रीमियम का, ठीक है, 2 लाख अवेलेबल कराया जाएगा, ऑटो डेबिट हो जाएगा, इसकी एज कितनी है 18 से 50, 18 से 50 के बीच में आप एनरोल कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, सुरक्षा बीमा में कितनी है 18 से 70 साल एनरोलमेंट एज है आपकी, यहाँ पे 2 लाख मिलेगा एक्सीडेंटल और फुल डिसेबिलिटी के लिए, 1 लाख मिलेगा पार्शियल के लिए, 12 पर एनम आपको भरना है, ठीक है। किसान सम्मान निधि है ये तो 6,000 रुपए 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 2,000 करके मिलने वाला है इसके अंदर। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना झारखंड शुरू हुई थी, 18 से 40 साल के बीच में जो लोग होंगे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होने चाहिए, मतलब कि 2 हेक्टेयर से कम की लैंड होनी चाहिए, ठीक है, और रिटायरमेंट के बाद यानी 60 के बाद आपको पेंशन मिलेगी 3,000 रुपीज पर मंथ। तो हम 19 में आपका इंश्योरेंस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चालू हुआ था, 55 से 200 के बीच में आपका प्रीमियम अमाउंट है डिपेंडिंग अपॉन द एज की आप कब ज्वाइन कर रहे हो। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना ट्रेडर्स के लिए ये 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट अगला है, इसमें गवर्नमेंट इक्वल अमाउंट देगी किस जितना आप सब्सक्राइबर दे रहे हो। दिस वॉज इट, आई एम हियर फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट PMYP। अगर आपको इस सीरीज अच्छी लग रही है काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस सीरीज विद ऑल दोस्त जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस चीज का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।